नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। नोकोवैक्स की कोरोना वैक्सीन 90.4% असरदार, विभिन्न वेरिएंट के खिलाफ भी है प्रभारी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत ने 200 सालों में केवल 3% किया कार्बन उत्सर्जन। भारतीय वायुसेना ने कोची के स्टार्टअप को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद के लिए दिया ऑर्डर। कोविड-19 से मुकाबले के लिए होगा इसका प्रयोग। मुंबई पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी ने 2 बेटों को मारी गोली, एक की हालत गंभीर। लोजमा में हुई फूट, चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस को धमकी देना पड़ा भारी, बड़ी बगावत की नींव। लखनऊ में मां की डांट से भागी लड़की से दरिंदगी मामले में 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव की तारीख की गई निर्धारित, 15 जून से 3 जुलाई के बीच होंगे चुनाव। इटावा में सपा नेता धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार, कोर्ट में सरेंडर करने से पहले पुलिस ने पकड़ा। यूपी में 50 लाख बच्चों को बांटी जाएगी दवा किट, सीएम योगी आज हरी झंडी दिखाकर जिलों में किया रवाना। अयोध्या में 400 करोड़ से बस स्टेशन और लखनऊ में 297 करोड़ से लागत से बनेगा एसटीपी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की परेशानी, ब्रिटेन सहित कई देशों में लौटी पाबंदियां। तालिबान से शांति वार्ता में आई रुकावट के लिए पाकिस्तान नहीं लेगा कोई जिम्मेदारी, कुरैशी ने अफगानिस्तान नेतृत्व पर उठाए गए सवाल। कोरोना के मूल के करीब पहुंच गया था ट्रंप प्रशासन, वुहान लैब से हुआ था लीक, माइक पोम्पियो का बड़ा दावा। कनाडा में मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने के मामले में आरोपित 20 वर्षीय पर लगा आतंकवाद का चार्ज। बाइडेन ने की अमेरिकियों से जल्द कोविड के खिलाफ टीका लगवाने का आग्रह। वर्ल्ड टूर्नामेंट क्रिकेट के फाइनल में इन 5 गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहते हैं वेंकटेश प्रसाद। इंग्लैंड में महिला टीम को मिल रहा अजिंक्य रहाणे का साथ, 7 साल बाद खेलेंगी टेस्ट। डब्ल्यूटीसी जीतने वाली टीम हो जाएगी मालामाल, आईसीसी ने करोड़ों रुपए देने का किया ऐलान। बांग्लादेश के विकेटकीपर और बल्लेबाज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, टीम को मिली जीत, इसमें निभाई थी अहम भूमिका। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से जुड़ी बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे सौरव गांगुली। किरण खेर के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, तस्वीर शेयर कर बोली दिया पीएम को धन्यवाद। कंगना रनौत पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पहुंची बॉम्बे हाईकोर्ट, देशद्रोह की एफआईआर बनी वजह। नेशनल अवार्ड विनर एक्टर संचारी विजय का निधन, एक्सीडेंट के बाद गई जान, अंग दान करेगा परिवार। सोनू सूद का एक वीडियो हुआ वायरल, कैंसर से पीड़ित एक फैन से की मुलाकात, सोनू सूद से मिलकर रोने लगा फैन। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर रिया चक्रवर्ती के भाई ने दी श्रद्धांजलि।
525 में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।